दोस्त ने जर्मनी से कोई सवाल भिजवाए हैं, वो पेश करना चाहता हूँ। भिजवाएं बताएं। सूरत नमल में आता है कि हजरत सुलेमान ने अपने सरदारों को मलका सबा का तख्त लाने को कहा। पहला सवाल ये है कि उन्होंने क्यों कहा, जबकि वो पहले ही उनकी मुती बनकर उनके पास आने के लिए तैयार थी और तोहफे भी भेजे थे। दूसरा सवाल ये है कि मलका सबा का तख्त पहले एक सवाल जो मलका सबा की तरफ से तोहफे आए थे वो एक किस्म की रिश्वत थी, ये बताने के लिए कि हम बहुत अमीर हैं और आप ये फतूहात का सिलसिला हमारा बंद कर दें, इस वजह से उसने ये भेजे थे तोहफे। हजरत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम इन तोहफों पे खुश हो रही हो, जो खुदा तआला ने मुझे दिया हुआ है वो उससे बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक तख्त का ताल्लुक है, इससे ये मुराद नहीं थी कि वही तख्त उठा के यहाँ ले आओ। हजरत सुलेमान ने जब मलका सबा से पूछा कि क्या ये तख्त वही है जिस तुम्हारा तख्त है, तो कान्नहु हुआ ये जवाब दिया उसने कि वैसे वो तो नहीं है मगर ऐसा बना हुआ है गोया जैसे मेरा तख्त देख के किसी ने बनाया हुआ है। तो तख्त उठा के कोई नहीं लाया गया था, उस जैसा तख्त बनाया गया था। इसलिए हज़रत सुलेमान ने अपने कारीगरों को ये हुक्म दिया था कि नक्किरू लहा, उसका जो तख्त है अरशा, उसका जो अर्श है वो उसके लिए आम कर दो, यानी ऐसा बना दो तुम भी ऐसा तख्त कि वो नाज ना करे कि सिर्फ मेरे पास ऐसा तख्त है बल्कि उस जैसा और भी तख्त हो। ठीक है।